हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब रिवराइम चैनल दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड या कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैटोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ सो so, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बी एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए साथ ही साथ आसाम टेट जो एग्ज़ाम होगा टू पे यानी दिसंबर के एंड पे सो so, आप लोगों में से जो लोग बी एड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या सोच रहे आसम टेट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है सो so, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऑनलाइन पे मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ आसम टेट टू के लिए पेड क्लास होगा सो so, आप लोग उस क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन साथ ही साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एक ग्रुप है उस पर ज्वाइन करने के लिए भी मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम हुई प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज कुछ फॉल्ट जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम पर जो प्रिवेंट करता है वर्किंग करेक्टली मतलब करेक्ट वर्क करने से प्रिवेंट करता है रोकता है तो उसे क्या कहते हैं सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भाग ध्यान रखना यह सब क्वेश्चन बार बार आया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू ये थर्ड पार्ट है ध्यान रखना पहले दो पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंट फोर्टी तक किया पहले पार्ट में हम लोगों ने वन से ट्वेंटी उसके बाद सेकंड पार्ट पे ट्वेंटी से फोर्टी या अभी फोर्टी से करेंगे हम लोग क्वेश्चन सो so, आप लोग वो पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन uh, पे जाइए या कमेंट सेक्शन में जाइए उधर मैं लिंक भेज दूंगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी यानी आज का सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ़ ए लैंग्वेज इज लर्न एट प्रैक्टिकल नॉलेज लैंग्वेज वो कहाँ पे सीखते हैं स्कूल लैंग्वेज लेबोरेटरी लैंग्वेज टीचिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लैंग्वेज लेबोरेटरी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स जो स्कूल आउट स्कूल से ड्रॉपिंग आउट होते हैं उसका मतलब क्या है टू कम टू स्कूल कैजुअली स्कूल में कैजुअली आते हैं ऑप्शन बी टू लीव द स्कूल फॉर एवर पूरा स्कूल छोड़ देते हैं ऑप्शन सी टू प्ले सॉरी टू प्ले ट्रॉंट फ्रॉम क्लास ऑप्शन डी नान ऑफ द एबाब सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टू लीव द स्कूल फॉर एवर इसको ड्रॉपिंग आउट कहते हैं स्कूल से क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर यानी आज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ गुड टाइम टेबल नीचे दिया गया कौन सा प्रिंसिपल नहीं है गुड टाइम टेबल का फ्लेक्सीबिलिटी रूटनेस रूटलेस मास्टर ऑप्शन सी वेराइटी ऑप्शन डी कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रूटलेस मास्टर ध्यान रखना रूटलेस मास्टर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द रीजन ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम स्कूल इज जो स्कूल से स्कूल में एब्सेंस या आ, कह सकते हैं एस्केप भागना सो उसे आ, क्या कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस सिलेबस पे मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है ऑप्शन बी पुअर मेथड ऑफ टीचिंग टीचिंग मेथड एकदम पुअर है ऑप्शन सी इनफेक्टिव टीचर टीचर एकदम इफेक्टिव नहीं है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबाब सो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबाब ध्यान रखना लेक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस में अगर इंटरेस्ट नहीं रहे तो स्टूडेंट भाग जाएंगे दूसरा पुअर मेथड ऑफ़ टीचिंग टीचिंग अगर अच्छे से नहीं हो तो स्टूडेंट भाग जाएंगे ऑप्शन सी इन इनफेक्टिव टीचर अगर कोई इफेक्टिव टीचर नहीं है उससे मतलब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एहबाब क्योंकि मैं भी टीचर हूँ गवर्नमेंट टीचर अपर प्राइमरी स्कूल असम गवर्नमेंट के अंडर सो so, मुझे पता है ये सब क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एच आर डी वर्ल डवलपमेंट वॉज एस्टाब्लिश्ड ऑप्शन ए अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन एटी फाइव ऑप्शन बी सेप्टेबर सिक्सटीन नाइनटीन एटी फाइव ऑप्शन सी सेप्टेंबर ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन एटी फाइव ऑप्शन डी सेप्टेंबर टेन नाइनटीन एटी सिक्स सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन एटी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन द स्कोप ऑफ मेकिंग इज डिसीजन मेकिंग का स्कोप क्या है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ही इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए क्वेश्चन फोर्टी एट फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज डकलैस ग्लैंड फैमिली बैकग्राउंड स्कूल ऑल ऑफ द एब सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एब ध्यान रखना डकललेस या डकलैस ग्लैंड फैमिली बैकग्राउंड स्कूल क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज डिस्कस्ड इन टीचर्स डायरी टीचर्स डायरी हर एक टीचर को मेंटेन करना पड़ता है सो so, इसमें आ, क्या एस्पेक्ट होना चाहिए क्लास टाइम टेबल टीचिंग कंटेंट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी मैन ऑफ द अबव सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बोथ ए एंड बी क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्टी वन सॉरी टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाई जो टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम ये एजुकेशन जो रिकमेंड किया किसने कोटारी कमीशन मुदालियार कमीशन राधा कृष्णन कमीशन ऑप्शन डी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स सो कौन सा राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोटारी कमीशन क्वेश्चन फिफ्टी टू डैश रेफर टू स्टेट विद इन द पर्सन और एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर टुअर्ड्स सम गोल सो क्या मतलब रेफर करता है स्टेट को विद इन ए पर्सन ऑफ एनिमल दैट ड्राइव बिहेवियर पर्सन और एनिमल सॉरी ड्राइव बिहेवियर टुअर्ड सम गोल सो कॉम्पिटेंस एफिलिएशन मोटिवेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है सो so, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोटिवेशन किसी की भी चीज़ में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है चाहे वो पढ़ाई हो या दूसरा कुछ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री साइको एनालिस्ट हु डायग्नेस लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू रिमेडी दे एम आर कोल्ड डेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑप्शन है कम्युनिटी स्कूल क्लिनिकल सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्कूल जो साइकोलॉजिस्ट हु लर्निंग प्रॉब्लम जो लर्निंग प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं इसको ठीक करते हैं एन ट्राई टू रिमेडी उसको रिमेडी भी देते हैं आर कॉल्ड स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर द कंसेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन मेच्योरेशन इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टेंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर बिकॉज इट टीचर्स हेज द सर्टेन स्किल मे बी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू लर्न बिफोर एगीबेन सो इसमें चार ऑप्शन है लेवल ऑफ टीचिंग इंटेलिजेंस लेवल सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑप्शन डी एज लेवल सो इसका राइट आंसर होगा एज लेवल क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है या चाइल्ड विद एडवांटेज सॉरी ए चाइल्ड विथ एवरेज पोटेंशियल इंटेलिजेंस बट फर्टाइल इन्वायरमेंट विल अचीव सो ऑप्शन ए बेटर लाइफ ऑप्शन बी एन एवरेज लाइफ ऑप्शन सी नथिंग इन लाइफ ऑप्शन डी एवरीथिंग इन लाइफ सो एक चाइल्ड का जो एवरेज पोटेंशियल रहता है इंटेलिजेंस का बट फर्टाइल एनवायरनमेंट विल अचीव अगर अच्छा इन्वायरमेंट हो तो वह क्या कर सकता है क्या अचीव कर सकता है अगर एवरेज पोटेंशियल भी रहे सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बेटर लाइफ सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या व्हाट्सअप नंबर पर बताइए मुझे सो थैंक यू सो मच